नमस्कार दोस्तों। तो अभी मैं अभी उठ रहा हूँ जस्ट, और आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है अभी से। और जय माता दी सबसे पहले तो आप सबको, क्योंकि आज नवरात्र, दूसरी नवरात्रि है। और अब मेरे को जाना है पहले डीजल लेने, क्योंकि हमारा डीजल समाप्त तो हो गया है, और इसके बाद मड़ाई में जाना है। तो पहले लेके आते हैं डीजल, फिर मड़ाई में जाना है। और ट्रैक्टर को आज धोना भी है, धूल धूल हो गई है इसमें पूरी। ये हमारी मशीन थक गई है कल से काम करके, ट्रैक्टर ने कर लिया है आराम, ट्रैक्टर के नीचे कर रहा है शेर हमारा आराम आराम से। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों अभी मैं नहा धो के, जस्ट नहा रखा है मैंने अभी, अब मैं जा रहा हूँ बत्ती जलाने, फिर जाएंगे हम डीजल लेने, क्योंकि पहले आज नवरात्रि है तो पहले नहाना धोना और मंदिर में बत्ती जलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे धार्मिक है आज, क्योंकि आज नवरात्रि है और हम सनातन सनातन वाले हैं। तो जय सनातन। और आरती संपन्न हो गई है पूरी क्या बोलते हैं, संपन्न हो गई है, क्योंकि अब हम हिंदी बोलेंगे, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और संस्कृत भी बोलनी आनी चाहिए। इंग्लिश इंग्लिश हमसे ना बोली जाती, हम हैं ठेस पहाड़ी। क्यों बोला? और यार ये मेरे कुत्ते का सोने का तरीका बहुत कैजुअल है, तमीज से नहीं सोता ये। तो दोस्तों अभी हमें इसका बम्फर खोलना है, क्योंकि मड़ाई में इसके अंदर धूल चले जाते हैं ना, तो साफ करना बड़ा मुश्किल होता है, बम्फर लग जाता है। तो आज मैंने बम्फर खोलना है, क्योंकि कल थोड़ा धूल घुस गई थी, तो अभी मड़ाई में इसको बम्फर को खोलना पड़ेगा हमें ट्रैक्टर के आगे से। तो अभी इसको खोलते हैं, फिर देखते हैं हमारा लाल घोड़ा कैसा लगता है बिना बम्फर के। काफ़ी मेहनत के बाद हमने आखिरकार अपना लाल घोड़े से बम्फर हटा दिया है। ये देखो आप, ऐसा लग रहा है आगे से धूल हो गई, पूरा अंदर धूल हो गई है इसके, अब दिख नहीं रही होगी, पर धूल है, इसको साफ करना पड़ेगा। और हम धो रहे हैं ट्रैक्टर अपना, ट्रैक्टर काफ़ी ठंडा हो रखा था, धूली धूल हुई थी, तो हमने ट्रैक्टर धो दिया है। अब इसको ज़रा पैक करते हैं ट्रैक्टर को। तो दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ मड़ाई में, और अब मड़ाई शुरू हो गई है अभी से। अब हमने अपना ट्रैक्टर पैक कर दिया है और अब हम निकल रहे हैं, और आज की पहली मड़ाई। जगह बगल में मड़ाई, और ये भाभी जी लगातार तीन जगह मड़ाई हो चुकी है आज। और मड़ाई चालू है अभी भी, और मेरी शक्ल में अभी 6 बज रहे हैं, लेकिन मेरे 12 बज चुके हैं। बाप रे, हालत डाउन हो गई है मेरी आज। देखो मड़ाई का सीजन है और मेहनत करनी पड़ेगी, क्या करें, जय जवान जय किसान। अनाज उगाना बड़ा मुश्किल है, उसे खाना उतना ही सरल। जो अनाज उगाता है ना, उससे कुछ मेहनत क्या होती है, कभी खरीद के खाते हो तुम लोग, तुम्हें क्या पता। इसे कहते हैं खेती करना। ये देखो ऐसे लगे हैं हमारे आंवले का पेड़ है, और इसमें देखो कितने शानदार फूल आ रखे हैं। इस बार आंवला लगेगा हमारे पेड़ों में, एकदम बहुत अच्छे फूल आए हैं। रात हो गई और मड़ाई अभी भी चालू है, आप देख सकते हैं। और ये हीरो बनते हुए, और ये बहुत हमारे गांव का छपरी 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 काम कर रहा है, और रात हो गई है बहुत, हम मड़ाई कर रहे हैं। दिन रात चले चंदू का ट्रैक्टर। देखो देखो चित्ते, छोटे छोटे गाय भैंस दौड़ रहे हैं। देखो ये देखो ये देखो, हमारे गांव में हमारा उज्जवल भविष्य बिंदु खत्ता का, और सब यहां घुसे इनके खेत में। ये देखो कर
करीबन कितने गाय भैंस थे बताओ? करीबन 60 से ज्यादा, न्यूज के हिसाब से पता चला कि करीबन 60 से ज्यादा गाय भैंस थे। और मैं रिपोर्टर अनुज चंदू के साथ आज तक ठीक हो गया। और आधे से ज्यादा इनके गेहूं में घुस चुके हैं, दिख नहीं रहे। वो देखो देखो आंखें चमक रही हैं। मैं अब गेहूं की मड़ाई करके घर पर जा रहा हूँ। ये देखो जानवर, गायब हो गया।